Oh my God, ini siang tadi. Ya nanya selaka. Caksur hitam jinam. Kasmai istri gurabi nama. Gurabi gaura chandraya. Radhikaya sadalaya. Krishnaya Krishna bhaktaya. Tadbhaktaya namo. प्रमोदमदनलीलाकन्दरकन्दरति रचयति नवजुनद्वन्द्वमस्मिन्मन्दम् कीर्तिलकलनार्थलग्नस्तद्वयर्मि निजनिकटनिवासदेहि गोवर्धनपुन्नत्वम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव मित्रिला प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति त्रिरो सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राजी का आचार्य श्रीधरनी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडीपादगण वैष्णव एवं वैष्णव सभी प्रणाम करता हूँ। महाराज ने मुझे आदेश दिए हैं श्री गिरिराज गोवर्धन कैसे प्रकट हुए और श्री गिरिराज का ज्ञान स्वरूप है। श्रीला महाराज जी की मुखारविंद से अलग अलग समय में जो जो कथा श्रील महाराज जी से श्रवण किया है उसी चीज को ही मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। श्री गिरिराज जी का जो प्रकट है अलग अलग पुराण में अलग अलग रूप में सुनने को मिलता है। श्री गर्ग संहिता में बताया गया गिरिराज जी का जो प्रकट है कभी ये कृष्ण का आंखों से ही प्रकट हुआ है। श्री भविष्य पुराण के अनुरूप श्री गिरिराज जी का जो प्रकट है कहते मनस प्रकृति जातव गिरि गोवर्धन महान कहते इस समय श्री प्रिया प्रियतम बैठे हुए थे सोच रहे थे ऐसे एक लीला भूमि होनी चाहिए हमारे लिए जो पृथ्वी का सर्वोत्तम स्थान हो जहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष हो जहाँ पर सुंदर सुंदर लताएं हो जहाँ पर सुंदर सरोवर हो जहाँ पर जितने तरह का हमारा लीला विलास के लिए उपयुक्त स्थली होनी चाहिए। कहते ये गिरिराज गोवर्धन है कहते ये राधा रानी का हृदय से ही स्वयं राधा रानी अपना लीला विलास के लिए कहते ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने प्रकट किया है। कभी कभी सुनने को मिलता है कि जिस समय श्री श्याम सुंदर राधा रानी को बता रहे थे बोले ईश्वर योग मेरे साथ में तुमको जाना पड़ेगा बोले कहा बोले ये मरते जगत में राधा रानी बोलती हूँ मैं नहीं चलती हूँ बोले क्यों बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं जहाँ पर यमुना नदी नहीं जहाँ पर नंदगांव बरसना नहीं जहाँ पर निधुवर निकुंजवर नहीं मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। तब कृष्ण ने कहा देखो मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा तुम अकेले थोड़ी जाओगी ये संपूर्ण रूप में ये जो गोलोक वृंदावन संपूर्ण रूप में मेरे धाम तुम्हें जगत में उतार दूंगा। इसलिए इसी जगत में जो कुछ हम ब्रजमंडल में हम दर्शन करते हैं उस सब के सब गोलोक वृंदावन में ही संपूर्ण रूप में इसी जगत में प्रकट हो गया है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन स्वयं गोलोक वृंदावन से ही राधा कृष्ण की सेवा के लिए इसी जगत में वो प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री गिरिराज का बहुत स्वरूप बताया गया है। इसलिए आप लोग ने अभी भी महाराज से श्रवण किया कहते उनका एक स्वरूप है कहते इस समय ब्रह्मा विष्णु महेश कहते ये तीनों ने राधा कृष्ण की कठोर तपस्या की। जब भगवान संतुष्ट हुए बोले आप क्या चाहते हो बोले हे प्रभु हम चाहते हैं आपकी चरण की सेवा
वृत्ति के रूप में चाहते हो। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश बता रहे हैं कि हे प्रभु, प्रश्न में जन्म लेना कोई साधारण बात है। जो ब्रह्म स्तुति में जहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं तद गोई भाग जब यह जन्म किम अटक्या जद गोकुल कथमा की रजो रजो भी से कम। ब्रह्मा पहले ब्रज में किसी तिलकुल वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा ब्रज में कोई वृक्ष रूप में तिलकुल रूप में भी जन्म लेना ये कोई साधारण बात नहीं। तब उन्होंने प्रार्थना किया ब्रज में तो मेरा कोई जन्म हो ही नहीं सकता है, ब्रज का बाहर अगर पत्थर रूप में जहाँ पर छोटे जाति के लोग रहते हैं वहाँ पर अगर जन्म हो जाए, उनकी अगर चरण भूमि मुझे मिल जाए, ये ब्रह्मा जन्म में सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। विश्वनाथ को क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, चलिए ये बताओ आप इतने बड़े व्यक्ति हो करके यहाँ पर ब्रज में पत्थर रूप में क्यों प्रार्थना कर रहे हो। बस श्रुति क्या जिस चीज को श्रुतियां भी प्रार्थना करती है क्या मैं श्रुतियों से बड़ा हो गया हूँ। इसलिए इस देखो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन देवता को जो सर्वश्रेष्ठ माना जाते हैं कहते ब्रज में कहते वो पत्थर रूप में ही जन्म लेना चाहे। और उस ब्रह्मा विष्णु महेश नंदगांव बरसाना और गिरिराज गोवर्धन रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही ये गिरिराज गोवर्धन का स्वरूप धारण किया है। कहते इनका ये एक स्वरूप है, इनका जो दूसरा स्वरूप है गिरिराज की स्वयं कृष्ण है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने दो चीज दिया था, एक तो उन्होंने गिरिराज शिला दिया और गुंजा माला दी। बोले हे रघुनाथ ये गिरिराज शिला ये स्वयं कृष्ण, गुंजा माला ये स्वयं राधा रानी है, इसलिए इसका एक स्वरूप है ये कृष्ण है। और गोवर्धन पूजा में कृष्ण का एक स्वरूप को द्वारा स्वयं पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप का द्वारा स्वयं गिरिराज का कृष्ण रूप धारण कर दे, इसलिए उनका जो दूसरा स्वरूप है कहिए स्वयं कृष्ण का कृष्ण स्वरूप है। हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमद। यहाँ पर ये गोपियों को मुंह से बात श्रीमती राधा रानी का मुखार बिंद से ही ये शब्द निकले है कधंताया अदि अवला हरिदास वर्ज, इसलिए उनको हरिदास वर्ज बताए। तो वहाँ पर श्री महाराज जी और श्री सनातन गोस्वामी सिद्धांत कैसे कभी ये श्लोक को जब ये गोपियां उच्चारण कर रही कब उच्चारण कर रही है जिस समय उन्होंने अपना भाव को कभी मेघ का प्रतीक अगर जीवन सार्थकता है कहते मेघ का सार्थकता है। कृष्ण जब गोचारण करते हैं कैसे पुनिया पुनिया कैसे कितने सुंदर सुंदर ऋषि ऋषि कैसे बारिश करते हैं ये सार्थक हो तो ये मेघ का जीवन सार्थक है। कृष्ण तो बस छत्री बन जाते हैं, जीवन धन्य तो ये हरिणी पर जीवन धन्य है, जीवन धन्य तो ये देवियों का जीवन धन्य है। धन्य है तो पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब जरागम, अगर धन्य है तो पुलिंद का जीवन धन्य है। तो प्रार्थना कर रही है कि ये सौभाग्य हमें कैसे मिल सकता है। तो उन्होंने बताया अगर जब तक महत्व कृपा बिना कौन कार्य भक्ति नहीं कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार ना हो जाए। जब तक किसी महान व्यक्ति का कृपा नहीं हो भगवत भक्ति नहीं मिल सकता है। ये तो महान में महान कौन है तो गोपियां कहती है हंता अदि अबला हरिदास वैद्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमद। इसलिए ये महान में कहते गिरिराज गोवर्धन ही महान है, इसलिए इनकी कृपा से ही जो स्वयं भगवान कृष्ण का राम कृष्ण यहाँ पर जो राम शब्द है वो कृष्ण के लिए ही है, इसलिए अपना वाक्यों को छुपा करके कृष्ण के लिए ही राम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कहते जो गिरिराज गोवर्धन कृष्ण का चरण का स्पर्श पा करके जिनको आंखों से झरना रूप में आंखों से आंसू झर रही है जो रोमावल रूप में उनका रोंगट खड़े हो जाते हैं कैसे और ये घास के द्वारा कृष्ण का चरण को स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। कृष्ण को तरह तरह से कंदमूल
फल फूल तरह तरह से कृष्ण का ये गिरिराज गोवर्धन कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, अगर इनकी कृपा हो तो हमको ये भक्ति मिल सकती है। इसलिए इनका जो स्वरूप है हरिदास बताया गया। अभी महाराज ने श्रवण कर रहे थे जैसे तीन हरिदास है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो हरिदास है यदि गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए महाराज कभी कभी कहते हैं ये हरिदासी भी है, हरिदासी भी है। बोले क्यों हरिदासी है? कहते जो प्रपद मदन लीला कंदरा कंदरा दे रस्यति नवजुन द्वंद मस्मिन मंदम। अगर वो हरिदासी नहीं होती तो कृष्ण जो उसका कंदरा कंदरा में प्रपद मदन लीला, उसका अंदर में जो प्रपद मदन लीला मतलब जो कुंज लीला कर रहे हैं, वहां जो जल विहार कर रहे हैं, वहां पर जो रास लीला कर रहे हैं, उसमें कृष्णा जो इस मधुपान कर रहे हैं, अगर वो हरिदास नहीं होती तो कृष्ण की सब लीला कैसे करते, वो असंभव था। इसलिए एक स्वरूप में ये हरिदास ही है। अभी प्रश्न है ये हरिदास श्लोक में तो हरिदास आया है, अंतर अद्रिय बोला हरिदास आया, लेकिन कहते हरिदासी कैसे बता दिया, ये हरिदास शब्द आया। कहते इनको गिरिराज गोवर्धन का जो साधारण जो स्वरूप बताया गया, जो रस बताया गया, कहते शांत और दाक्ष रस बताया गया। जैसे ब्रज में जैसे गैया के लिए बताया गया, ब्रज की जो गैया है कहते ये शांत रस व दाक्ष रस में, लेकिन इन्हीं के लिए कभी कभी इनको बताया गया कि ये वात्सल्य रस में भी। बोले क्यों? बोले कृष्ण को दूध मिला है तो मैं क्या की बोल रहा बोलते हैं बोलम जे गिरिराज एखाने की लोका मास ले तो से सुना छुए अंग आवर पकड़ बोल के सारे मंडल। इसलिए महाराज की इच्छा है गिरिराज कैसा है, जे किशा बोले ची से बोलो। इसलिए कहते गिरिराज जी दो भाव से दो रूप से गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर आए। कहते एक है कि जिस समय रामचंद्र ये सेतु बांध रहे थे, कहते सेतु बांधते समय इनको पास में नल और नील थे, समुद्र में कहा आपके पास में नल और नील है, इनको ऋषियों का वरदान है जिस वस्तु को स्पर्श करके वो वस्तु तैरने लग जाएगा। इसलिए पत्थर बड़े बड़े पत्थर ला करके फिर ये इसको ऊपर में आप सेतु बांध सकते हैं। अभी उन्होंने आदेश दिया जहाँ से बड़े पत्थर मिले वो पत्थर को ले आओ और यहाँ पर हम सेतु बांधेंगे। अभी हनुमान जी ने देखा बड़े से बड़े पत्थर कहीं मिल जाए जिसको हम लाए और जल्दी से जल्दी सेतु बन जाए और माता सीता की उद्धार हो जाए। इतने में हनुमान जी घूमते घाम से देखा ये गिरिराज गोवर्धन विशाल गिरिराज गोवर्धन है, अगर गिरिराज गोवर्धन को अगर हम ले आए फिर ये जल्दी से जल्दी सेतु बन जाएगी। तब से हनुमान जी ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उठा कर लिए। जब आ रहे थे जब यहीं पर गिरिराज हनुमान जी पहुंचे इतने में सेतु बंध अभी समाप्त हो गया, बचना समाप्त हो गया। रामचंद्र ने बंदरों का आदेश दिया और पत्थर की जरूरत नहीं, जहां से पत्थर ला रहे हो बोलिए वहीं पर रख दिया जाए। जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को हनुमान जी यहीं पर रखे इतने में गिरिराज गोवर्धन तो साधारण है, उन कृष्ण का नित्य सेवक है। बोले हे हनुमान जी आप कहाँ मुझे ले जा रहे थे, कहाँ प्रभु राम की सेवा में उनका चरण स्पर्श माता सीता की उद्धार में मैं लग सकता था, आप तो मुझे यही छोड़ करके जा रहे हो। जब से गिरिराज हनुमान जी से प्रार्थना किया इतने हनुमान जी ने हनुमान जी कोई साधारण है नहीं, बोले आप कोई चीज साधन करो, यही राम जब द्वापर युग में कृष्ण रूप में आएंगे, अभी तो केवल थोड़ी समय के लिए आपको सेवा मिलता, रामचंद्र जाते और वापस आ जाते, लेकिन यही राम जब कृष्ण रूप में आएंगे तुमको सात सात दिन तक तुमको कनिष्ठाओं के ऊपर धारण करेगी। जितने गैया कृष्ण सखाओं को लेकर के ये गिरिराज गोवर्धन में गोचारण करेंगे उनका चरण का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा। अभी जितना तुमको सेवा की प्राप्त जितना होता द्वापर युग में उससे ज्यादा सेवा सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा, इसलिए चिंता मत करो। इसलिए ये इसके एक कथा है। या दूसरी कथा है कहते कि पुलस्त नाम का ऋषि वो रहते थे काशी में,
एदी उन्होंने गुंजे धाम ते चले ये भारत का पश्चिम दिशा जा पर सामन दीप रहे कभी उन्होंने वहां पर पहुंचे कद वहां पर उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को देखा इनका माता जी का नाम धरा और पिता जी का नाम द्रोणाचल है कद उनका पुत्र ये गिरिराज गोवर्धन उनका पुत्र है जब उनका घर में ये गए तो उनको पिता माता उनको अतिथि रूप में स्वीकार किया बड़ी उनको सेवा की चल आप हम क्या सेवा करेंगे तब उन्होंने देखा कि गिरिराज गोवर्धन अपूर्व सुंदर है गिरिराज गोवर्धन जिसमें सुंदर सुंदर लता वृक्ष झरना तालाब सरोवर अपूर्व जहाँ पर एक साथ में 6 ऋतु बह रहे थे तब उन्होंने देखा अगर ये गिरिराज गोवर्धन को यहाँ से भी किसी तरह से काशी में ले जाऊं काशी में सुखा मरु विश्वास वहां पर साधु संत बैठ करके इसमें अच्छे तरह से भजन कर सकते थे और इसमें हर तरह का खाद्य वस्तु है तब उन्होंने उनको पिता माता को पूछे कहते मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ बताइए आप तो संत हैं कहते आपका पुत्र को हमें दे दीजिए जब उन्होंने पुत्र को प्रार्थना किया अभी अपना बेटे को कौन देना चाहेगा तो उन्होंने देखा अगर इनको नहीं देता हूँ कर दे अभिशाप दे देंगे तो उन्होंने बाकियों को घुमाते हुए बोले क्या देखो ये पुत्र जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे क्या पता आप उसको ही पूछ लीजिए जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को पूछा उन्होंने देखा अगर मैं मना करता हूँ कि मुझे अभिशाप देंगे उन्होंने एक बात को घुमाते हुए बोले क्या तो मैं चल सकता हूँ लेकिन कुछ शर्त पर बोले क्या शर्त है पहले पहला शर्त है मेरे को हाथ में उठा कर ले जाना पड़ेगा दूसरा शर्त है बीच में मुझे कहीं नहीं उतार सकते हो और तीसरी शर्त है अगर आप अपवित्र हो जाएंगे तो मेरे को स्पर्श नहीं कर सकते बोले ठीक है तब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाया उठा करके जब उन्होंने यहीं पर आए इतने में गिरिराज भगवान का नित्य सेवक है उन्होंने देखा कि मुझे काशी ये कहाँ फांसी लगाने ले जा रहा है कि मैं काशी जो प्रभु आदियों का स्थान है और मैं कहाँ भगवान का सेवक कहाँ ब्रजभूमि रसभूमि है जहाँ मैं प्रिया प्रियतम का सेवा करूंगा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं तो उन्होंने भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया बोले हे प्रभु मैं तो आपका नित्य सेवक हूँ आपका मैं सेवा करना चाहता हूँ जब उन्होंने प्रार्थना किया भगवान अपना जोग माया करा इतने जोर से पुलस्त ऋषि को लघु संज्ञा लगा उन्होंने संभाल नहीं सके और उन्हें गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने यहीं पर रख दिया और लघु संज्ञा में बैठे तो 1 घंटा तक लघु संज्ञा क्या नाम नहीं हो इसलिए उसको बाद में जब उन्होंने हाथ पैर धो धा करके फिर जब गिरिराज को उठाने के लिए गए गिरिराज तो टस से मस भी नहीं हुए बोले तुम उठ नहीं रहे क्यों बोले आपने जो शर्त रखा था सारे शर्त से आप फेल हो गए हो आप एक में तो भूमि में रख लिया दूसरे में आप लघु संख्या में बैठे अपवित्र हो गए इसलिए मैं यहाँ से और जाना नहीं चाहता बोले अगर तुम नहीं जाओगे मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ तुम पल पल में तिल तिल तुम क्षय होते जाओगे और तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे जब उन्होंने अभिशाप दिया उन्होंने प्रार्थना की कहते मैं इसलिए यहाँ पर रहना चाहता हूँ भगवान की सेवा करने के लिए अरे भगवान आने से पहले टुकड़े टुकड़े हो गया क्षय हो गया पर यहाँ रहने का मेरा मतलब क्या रह गया इसलिए मुझे ये प्रार्थना कीजिए जब तक भगवान नहीं आते हैं तब तक पूर्ण रूप में रहूं उसको बाद में सारे अभिशाप मेरे पर ला दो इसलिए करिए गिरिराज गोवर्धन ये दो रूप में यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन बात करो।